हेलो व्यूवर्स, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एनेस्थीजिया टेक्नो। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम कहता हूं। आज जिस नए टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है ऑपरेशन थिएटर से पेशेंट की शिफ्टिंग और उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे की जाती है। अक्सर देखने में आया है कि पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से पेशेंट सेफ्टी कंप्रोमाइज़ होती है। इन्हीं पर हम आज बात करेंगे। आमतौर पर ऑपरेशन थिएटर से जो पेशेंट शिफ्ट होता है वो फुली कॉन्शियस नहीं होता, या फिर ये भी मुमकिन है कि जो पेशेंट आप शिफ्ट करने वाले हैं वो इंट्यूबेटेड हो। लिहाजा इस बात को यकीनी बनाएं कि पेशेंट को एक बेड से दूसरे बेड पर शिफ्टिंग के लिए कम से कम 4 लोग मौजूद होने चाहिए, यानी कि राइट, लेफ्ट, हेड साइड और एक फुट साइड पर, और उनके अंदर प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आमतौर पर जो शख्स हेड साइड पर होता है वही कमांड करता है, लिहाजा उसके ऑर्डर्स का आपको इंतज़ार करना चाहिए। पेशेंट ट्रांसपोर्ट करने से पहले मेक श्योर कर लें कि ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन प्रॉपर मौजूद है या नहीं। कम से कम हाफ सिलेंडर एक्सेप्टेबल होता है, मगर इससे कम नहीं। सी सर्किट और एम्बो बैग को चेक कर लें कि प्रॉपर ऑक्सीजन आ रही है या नहीं। एपिल वाल्व को चेक कर लें कि क्लोज और ओपन हो रहा है या नहीं। इसके बाद आप चेक कर लें कि अगर पेशेंट को कार्डिक मॉनिटर की ज़रूरत है तो वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, और अगर अवेलेबल है तो उसके तमाम ज़रूरी पैरामीटर्स काम कर रहे हैं या नहीं, यानी कि ब्लड प्रेशर, ECG और SpO2। और अगर आपको कार्डिक पेशेंट शिफ्ट करवाना है तो हो सकता है कि आपको उसकी इन्वेसिंग मॉनिटरिंग, जिसमें आम तौर पर RDA लाइन होती है, वो ज़रूरी मॉनिटर करनी चाहिए। इसके अलावा मेरे साथियों, फ्रिंज पंप को चेक कर लें कि उनकी बैटरी प्रॉपर चार्ज है या नहीं, क्योंकि अगर आपको आइनोट्रॉप्स के साथ पेशेंट को शिफ्ट करवाना है तो आपको ये ज़रूरी चेक करना होगा। इस बात का ख्याल रखें कि जिस पेशेंट को आप शिफ्ट करवा रहे हैं जिस बेड पर, उसके ऊपर IV पूल लाजमी होना चाहिए, ताकि अगर पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है या इसको IV फ्लूड चल रहे हैं तो वो आप उस पर प्रॉपर हैंग कर सकें। अगर चेस्ट ट्यूब इंसुलेशन है तो मेक श्योर कर लें कि वो क्लैंप होनी चाहिए। पेशेंट की प्राइवेसी का ख़ास ख्याल रखें। शीट या ब्लैंकेट लाजमी तौर पर पेशेंट के ऊपर ओढ़ें। हमेशा इस बात को यकीनी बनाएं कि बेड की साइड रेल्स ऊपर हों, ताकि पेशेंट के गिरने के चांस कम से कम हो सकें। हमेशा बेड को ले जाते हुए अपनी स्पीड का ख़ास ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा स्लो और बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, ख़ासकर ऐसे पेशेंट जो सिक हों। उनके साथ ज़रूरी है कि तजर्बाकार हेल्थ वर्कर्स ही जाएँ। अगर मुमकिन हो सके तो पेशेंट के साथ इंट्यूबेटेड किट और ज़रूरी दवाइयाँ लाजमी रखें। मेरे साथियों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ रहने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।